देखिए 1905 आई बराबर ये हमारे करना है। अब इसमें क्योंकि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉट इनवर्स रूट एक्स का फॉर्मूला होता है पाई, तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। तो यहाँ पर रूट एक्स आ गया। नियम यह है कि जो साइन इनवर्स के आगे लिखा है वही कॉस इनवर्स के आगे लिखा होना चाहिए, और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का मान हमेशा पाई बाई टू। तो अगर ये मान मैं यहाँ लगा दूँ और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का मान निकाल लो, यहां से कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, यहां से कॉस इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। दोनों दोनों मान यूज कर लो, तो साइन इनवर्स रूट एक्स तो अपनी जगह रखो और कॉस इनवर्स का मान है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स बटे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। ये कितना हो जाएगा भाई, ओपन पाई में रहेगा? यस सर, पाई बाय 2 यस सर। ओके, और ये बचा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2। लिमिट तो नहीं लगी है इसको? नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसको, कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास 2 अपॉन पाई 2 टू द 2 तो आया, हाँ 2 तो आने का हमारे पास प्लस डबल हो जाएगा 2 टू द 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस 2 बटे पाई गुणा पाई बटा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो इंटीग्रेशन इसका होगा तो ये दोनों तो संख्या के बाद बैठ जाएंगे तो बनी बच्चे का सुन पा रहे। अच्छा, तो पाई से पाई 2 से 2 चाहे इसे अंदर कर लो बात तो। अब इसको हम करेंगे बाय पार्ट, याद है बाय पार्ट क्या था? इसको एक तो बन लीजिए 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वन और आई लेट रूल कहता है, आई लेट रूल कहता है कि इनवर्स सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, उसके अलावा वन को अलजेब्रिक मानते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये इसका इंटीग्रेशन मानूंगे वन का एक्स होता है। अभी कॉन्स्टेंट नहीं लगाएंगे, सबसे लास्ट में लगाएंगे अगली बार 4 अपॉन पाई। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख देंगे साइन इनवर्स रूट एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन लाइक साइड वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो रूट एक्स स्क्वायर करोगे कितना आएगा एक्स रूट एक्स का वर्ग का एक्स है। अब आपने एक्स समझ के किया था ये कितना लिखा रूट एक्स, यहाँ रूट एक्स का होगा डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स और एक्स बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स, इन दोनों की गुणा का होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पर यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर होता है एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स, इन दोनों के प्रोडक्ट का जो भी इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसका साइन
का कितना रूट टाइम, और ये दो है और ये चार था, दो से चार होकर दो बार कट जाएगा, ये चलो लिख लो भाई चार और गुणा आधा एक बटा दो। इंटीग्रेशन में हमारे पास ये अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट ऊपर प्लस टू अपॉन पाई रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स
ठीक है, चाहो तो यहाँ पर भी इसको मान के कर सकते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स को थीटा मानते हैं, यहाँ से भी इसको मान कर सकते हैं, हो सकता है कि बाई पार्ट लगाने थोड़ा लंबा हो। अच्छा भैया 28वां सवाल देखते हैं, सवाल देखते ही सबसे पहले तो आप यही करना शुरू करोगे ना कि भाई चलो जाए क्या करें इसको साइन टू एक्स को टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख के साइन के बटे वाले पे कॉस के बटे वाले पे बारह कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिर इसको आप कोशिश कुछ और करने के नहीं करोगे, साइन को माइनस कॉस से दिमाग में आएगा, नहीं कर पाओगे, ए प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये अब आप समझ जाओ कोई अलग ही तरीके से होगा, फाइव बाय सिक्स फाइव बाय थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मेथड दिमाग में छाप लूंगा, ये बोर्ड में आएगा इस तरह का कुछ, साइन टू एक्स समान दिखता है टू साइन एक्स कॉस, चीजें वही होंगी जो आपकी नॉलेज में है, बस प्रयोग करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। ऐसा करो एक जोड़ लो एक बटा, एक जोड़ लिया और एक का मान लो, अब पहले देखो क्या लाना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लाना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो प्लस वन की जगह मान रखो, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लाना होता तो माइनस वन की जगह, क्योंकि वन तो दोनों है, कौन से वाले वन का मान रखना है ये तो दिमाग में बुद्धि लगा के दूर तक के सोचना पड़ेगा ना, गणित तो दूर तक के सोचना सिखाता है आपको, दूर के सोचोगे तो अगर यहाँ मान रखोगे तो माइनस आ जाएगा, ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन दूसरे तरीके से सोचोगे नीचे वाले को तो मानोगे टी, नीचे वाले को तो टी मानोगे और उसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का तो अगर प्लस वाले की जगह रखोगे और मान लो प्लस का आएगा उसे मानोगे तो डेरिवेटिव करके तो माइनस का आ जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा माइनस वाले में ही रखना, तो आप यहाँ पर वन की जगह प्लस को रख लीजिएगा, माइनस वाले की जगह मान रख दो, ही क्या बात तो रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है ना, थीटा की जगह कौवा रख दो, साइन स्क्वायर कौवा प्लस कॉस स्क्वायर कौवा बराबर तो भी एक होगा, एक्स लिख दोगे तब भी एक है ना, तो हमने एक की जगह मान ली, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, पता है अब हमारे पास आ गया पाई बाय सिक्स से हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये प्लस वाला जो था इन दोनों में जो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, अच्छा समझ में आ गया, बराबर इन वन को तो आप लीजिए, अब इन दोनों में तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो माइनस का था तो प्लस हो जाएगा दोनों प्लस, और ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये क्या बन गया, अरे कुछ बनाइए क्या डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का जाएगा
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन का आएगा कॉस एक्स कॉस का माइनस साइन प्लस हो जाएगा सर वही वो डी टी बने डी एक्स आएगा डी एक्स और अगर मैं यहाँ प्लस वाले की जगह रखता तो ये सब प्लस के आते और जैसे ही इसे मानता मैं टी तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आता और मेरे पास यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस है अगर तो नीचे माइनस वाला बनाओ और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला समझ में आ रही है बात अब ये सब अच्छा बहुत जल्दी रहती है बच्चों फटाफट मान रख देते हैं लेकिन यहाँ क्या है लिमिट नहीं बदलनी पड़ेगी क्योंकि आप एक्स को किस में बदल रहे हैं जब एक्स को टी में बदल रहे हैं लिमिट तो टी वाली आनी चाहिए तो चेक करो मान क्या यदि x बराबर पाई बाई थ्री तो t बराबर साइन पाई बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई थ्री साइन पाई बाई थ्री कितना होता है साइन साठ और मुझे तीन बटा दो कॉस साठ तो लिमिट क्या एक बटा दो कॉमन वर्गमूल तीन माइनस और यदि x बराबर फाइव बाई सिक्स तो टी बराबर कितना साइन फाइव बाई सिक्स माइनस कॉस फाइव बाई सिक्स साइन फाइव बाई सिक्स एक बटा दो और ये वर्गमूल तो माइनस का एक बटा दो कॉमन वर्गमूल तीन माइनस माइनस का एक बटा दो कॉमन ले लो तो तीन तीन प्लस का हो जाएगा और वन माइनस का माइनस तो आपके पास इधर लेके आ रहे हैं ये यहाँ ये आई बराबर हमारे पास लिमिट कितनी है माइनस का एक बटा दो रूट की माइनस एक से लेकर एक बटा दो रूट की माइनस एक प्लस का और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स ये बन रहा है डी टी एक बटे वर्गमूल वन माइनस क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मान लिया था टी माना था तो इस जगह की लगभग टी स्क्वायर हो जाएगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा अब देखो यहाँ पर अगर टी की जगह माइनस टी रख रहे हो तो माइनस टी का स्क्वायर तो प्लस का ही होता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ इसको दो गुणा जीरो से एक बटा दो रूट थ्री माइनस में क्योंकि जीरो से ए माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है दुगुना जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स यदि एफ माइनस एक्स बराबर प्लस तो अगर मैं टी की जगह माइनस टी रख रहा हूँ तो फंक्शन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इसलिए मैंने माइनस से लेकर प्लस तक की जो लिमिट थी वो दो गुणा जीरो से ए लिमिट प्रॉपर्टी है अब ये किसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स टी का और लिमिट लगेगी जीरो से एक बटा दो वर्गमूल तीन माइनस तो हमारे पास ये आएगा आई बराबर एक बार अपर लिमिट रखो दो गुणा साइन इनवर्स एक बटा दो वर्गमूल तीन माइनस एक माइनस साइन इनवर्स ठीक है साइन इनवर्स जीरो जीरो तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आई बराबर दो प्लस ही आते नहीं है ठीक है और आप चाहो तो इसको हल कर छोड़ो इतनी पर छोड़ो आपको कोई दिक्कत नहीं